सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू सम जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सम है इस चैप्टर का. सो हम लोग देखते हैं इस सम में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं. ठीक है, पहले सम देख लेते हैं. सो राकेश लिमिटेड इशूड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज फॉलोज. तो 2000 इक्विटी शेयर राकेश लिमिटेड कंपनी का नाम है जो कि 2000 इक्विटी शेयर ₹100 के शेयर्स है, ₹20 प्रीमियम में इशू कर रही है. और कैसे कैसे उसका पेमेंट मिलेगा, तो ऑन अप्लीकेशन ₹20, ऑन अलॉटमेंट ₹50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है, ऑन फर्स्ट कॉल ₹20 एंड ऑन फाइनल कॉल ₹30. इस तरह से चार बार में अमाउंट रिसीव किया जा रहा है शेयर होल्डर्स से. अप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स, 2000 शेयर्स अलॉटेड टू द अप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स. सो गाइज क्या बताया गया, एप्लीकेशन हमें कितने शेयर्स के लिए मिले, 3000 शेयर्स के लिए. हम कितने इशू कर रहे हैं, 2000 शेयर इशू कर रहे हैं, 3000 के लिए एप्लीकेशन आया है हमें. और उसके बाद 2000 शेयर हम लोग कैसे अलॉट कर रहे हैं, तो 2000 शेयर्स अलॉटेड टू द अप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर्स. 2400 शेयर्स तक के लोगों को हम लोग अलॉट कर रहे हैं 2000 शेयर्स. मतलब हम लोग रेशियो जो बना रहे 2400 शेयर होल्डर को, जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया 2400 शेयर्स के लिए, उनको 2000 शेयर दे रहे हैं. और द रिमेनिंग अप्लीकेंट्स फॉर 600 शेयर्स बींग रिफ्यूज एंड अप्लीकेशन मनी देयर ऑन वॉज रिफंडेड. सो क्या हो गया, 600 शेयर के जो अप्लीकेशन है उनको हमने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया है. और उनका अप्लीकेशन मनी हम लोग क्या करेंगे, रिफंड करेंगे. एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन अप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट. जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास आया है 2400 शेयर्स में से 400 शेयर्स का, वो हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं. ऑल अमाउंट वेयर ड्यूली आई रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार टू हुम 80 शेयर्स वेयर अलॉटेड. सारा पैसा हमें रिसीव हो गया, मतलब सब्सक्रिप्शन बराबर हो गया जब हमने इशूड किया, कॉल अप भी किया, सारा पैसा हमें रिसीव हो गया. सिर्फ किसको, मिस्टर मंदार को छोड़ के जिनको 80 शेयर हमने अलॉट किए थे. अब क्या हुआ है देखते हैं. मंदार फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. मंदार क्या क्या पैसा देने में अनेबल रहा है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. यहाँ पर दो अलग अलग है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मीन्स फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल. फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल दोनों का अमाउंट मंदार ने पे नहीं किया है. सो ही शेयर वे फॉरफिटेड. उसके शेयर्स को हमने क्या कर दिया, फॉरफिटेड कर दिया. एंड री इशूड टू मिस्टर केतन एज फुल्ली पेड एट ₹80 पर शेयर. तो क्या हो गया है, हमने री इशू किया है मिस्टर केतन को ₹80 पर शेयर के हिसाब से. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम है राकेश लिमिटेड, जिसकी बुक्स में हमें एंट्री करनी है. अब ये वेरी इंपॉर्टेंट सम क्यों हुआ, तो मैं बता दूं. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि ये शेयर्स जो है वो इशू हो रहे प्रीमियम में, ठीक है. सेकेंड थिंग हो गई कि हमारे पास अप्लीकेशन एक्सेस आए, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का भी सम है. जहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, एक्सेस पैसे आए. अब एक्सेस पैसों को हम लोग क्या करते, या तो रिफंड करते या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करते. बट इस सम में क्या हो रहा है, हम लोग रिफंड भी कर रहे हैं कुछ शेयर होल्डर को, कुछ अप्लीकेशन को रिफंड भी कर रहे हैं, और कुछ अप्लीकेशन को हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट भी कर रहे हैं. तो चार चीज़ें हो गई. इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, फॉरफिटेड भी हो रहा है आगे जाके सम. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे क्या हो रहा है, जो मिस्टर मंदार है 80 शेयर्स के, वो पैसे क्या कर रहे हैं, नहीं भी दे पा रहे हैं. तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, फेल टू, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल. इसका भी एडजस्टमेंट की एंट्री हमें सीखने मिलेगी. साथ में हमें सीखने मिलेगा फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स. और उसके बाद फाइनली इसमें ये भी है कि री इशू ऑफ शेयर्स भी हो रहे हैं. और फाइनली जो शेयर फॉरफिटेड का बैलेंस बचता है, उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर भी कैसे करते हैं. यानी कि पूरा के पूरे चैप्टर सी, पूरा निचोड़ इस सम के अंदर है, जहां पर सारी के सारी एंट्रीज कवर होने वाली है. तो बहुत ज्यादा एंट्रीज है, इसलिए मैंने प्रोफार्मा यहां तक रेडी किया है. जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राकेश लिमिटेड, वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. सबसे पहले हमें क्या हो रहा है, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है. एप्लीकेशन मनी कितने पैसे, कितने के लिए रिसीव होता है, तो जितने एप्लीकेशन आते हैं उतने एप्लीकेशन मनी आता है. सो वेरी फर्स्ट थिंग एप्लीकेशन मनी, सो दैट विल कैलकुलेट एप्लीकेशन मनी. एप्लीकेशन मनी क्या है, 3000 शेयर्स कितने, ₹100 के. बट हमने एप्लीकेशन मनी कितना लिया है, ₹20 पर शेयर, ठीक है. तो 3000 शेयर्स के लिए हमें एप्लीकेशन आए हैं, और 20 पर शेयर के हिसाब से देखेंगे तो 3 2 60 3 2 6, सो 60,000 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन मनी मिला है. ऊपर मैं लिख देता हूँ हमने कितने शेयर इशू करने हैं. तो शेयर इशूड इज इक्वल टू 2000 शेयर्स. सो ये हम लोग एक एक एंट्री करेंगे एक एक एप्लीकेशन के साथ. मतलब जैसे जैसे हम लोग कैलकुलेट करते जाते हैं, वैसे वैसे एंट्री करते जाते हैं. जैसे एप्लीकेशन मनी मुझे पहले रिसीव हो गया है 3000 शेयर्स का, तो मैं उसकी एंट्री कर लेता हूँ. सबसे पहले पैसा रिसीव हो रहा है मुझे. सो मुझे पैसा रिसीव होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट. डेबिट व्हाट कम्स इन, जो गोल्डन रूल है अकाउंटिंग का, उसके अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट डेबिट
तो कहाँ से पैसा आ रहा है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से पैसा मुझे आ रहा है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है वो हमने अभी कैलकुलेट किया है, 60,000 आ रहा है। ये हम लोग नरेशन में लिख सकते हैं कि 60,000 कैसे आया, तो हम लोग लिखेंगे बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 3,000 शेयर्स एट ₹20 ईच। ये हमारा नरेशन हो जाएगा। सिंपल नरेशन अगर चाहे तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, ये सिंपल नरेशन होता है। इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे एप्लीकेशन मनी को। लेकिन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में ट्रांसफर करना है तो हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में कितना ट्रांसफर करेंगे, सिर्फ 2,000 शेयर्स का, क्योंकि इशू 2,000 शेयर ही करने। तो लेट्स फर्स्ट, इसके बाद सेकेंड कैलकुलेशन जो हम लोग कर लेते हैं वो इक्विटी शेयर कैपिटल का कर लेते हैं, कि कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है। तो कैपिटल में कितना ट्रांसफर करना है, तो 2,000 शेयर्स का ₹20 के हिसाब से कितना होता है, ₹40,000। ये हमें ट्रांसफर करना है इक्विटी शेयर कैपिटल में। कभी भी एप्लीकेशन मनी आया है तो सबसे पहले हम लोग उसके बाद कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो हम लोग वही करते हैं, एप्लीकेशन में हमें पैसा आया है, अभी वो मैं क्या करूंगा, कैपिटल में ट्रांसफर करूंगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से जो पैसा आया है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से कैपिटल में ट्रांसफर किया, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर कितना एप्लीकेशन 60,000 आया था, उसमें से 40,000 हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी फॉर 2,000 शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से इसका नरेशन हो जाएगा। सिंपल नरेशन लिखना चाहे तो बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये कैसे हुआ वो आपको समझ में आ गया। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमने सिर्फ 2,000 शेयर्स ही इशू कर सकते हैं, 2,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पर दो आगे और एडजस्टमेंट करने, एक है 2,400 शेयर्स होल्डर जो थे उनको 2,000 शेयर्स दिए गए, मतलब उनके जो एक्सेस मनी रिसीव हुआ उसको क्या बताया गया था हमें सम में, कि जो एक्सेस मनी हम लोग क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं विथ अलॉटमेंट। 400 शेयर्स का हमको क्या करना है, अलॉटमेंट एडजस्टेड अलॉटमेंट मान लीजिए हम लोग निकाल लेते हैं, एडजस्टेड अलॉटमेंट अमाउंट विथ एप्लीकेशन, ठीक है, विथ एप्लीकेशन जो आया है उसको एडजस्ट कर रहे हैं। तो विथ एप्लीकेशन तो कितने शेयर्स का एडजस्ट कर रहे हैं, 400 शेयर्स का, ठीक है। तो ये अमाउंट मिल जाएगा। कितना रिफंड कर रहे हैं, तो अमाउंट रिफंडेड वो कितने, 600 शेयर्स का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उनके अमाउंट, उनके एप्लीकेशन को हमने क्या किया, रिफ्यूज कर दिया, और उनके रिफ्यूज करने के बाद वो अमाउंट रिफंड कर रहे। तो ये दोनों अमाउंट हमें कैलकुलेट कर लेना है। 400 × 2 यानी 4 × 2 = 8, 8,000 हो जाएगा, एंड 6 × 3 = 12, सो 12,000। सो इस तरह से आप देख सकते हो 8,000, 12,000, 12 और 8, 20 और 40, इस तरह से पूरा एप्लीकेशन मनी का हमें बायफिकेट अमाउंट मिल गया, कितना कितना किसको किसको कैसे करना है। सो गाइज, पहले हमने कैपिटल के साथ एडजस्ट करना था, वो अमाउंट एडजस्ट कर दिया। अब हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग रिफंड वाला कर देंगे, या फिर हम लोग पहले रिफंड वाला करके पहले अलॉटमेंट वाला, जैसे करना है, या फिर सिंगल एंट्री में भी दोनों एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप आता है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे एप्लीकेशन का मुझे अमाउंट आया है पूरा पूरा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो 60,000 था उसमें से 40,000 ट्रांसफर करने के बाद कैपिटल में कितना बचा, तो बचा है 20,000। चलिए मैं साथ में एंट्री करता हूँ, 20,000 पूरा पूरा बचा है। सो 20,000 मैं पहले क्या करूंगा, अलॉटमेंट वालों को दे दूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट में कितना देना है, 8,000। तो ये मैंने लिख दिया 8,000, और बाद में बैंक टू बैंक अकाउंट यानी रिफंड का एंट्री हो गई, ठीक है। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं कभी भी। अब ये दोनों एंट्री भी जो हमने डाली है, इसको भी हम लोग एक साथ मिलाकर एक सिंगल एंट्री कर सकते हैं, जहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। इस तरह से भी आप पूरी पूरी एंट्री एक साथ कर सकते थे, जहां पर हम लोग क्या करते थे कि एप्लीकेशन में अमाउंट को हमने कैपिटल में ट्रांसफर किया, हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, और जो एक्सेस अमाउंट जो रिसीव हुआ था 600 शेयर्स का बैंक अकाउंट से रिफंड कर दिया। और एल्स हमने इस तरह से किया, तो यहां पर इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड 600 शेयर्स अमाउंट रिफंडेड। इस तरह से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड, जहां पे क्या हो गया, हमने इतने शेयर्स इशू किए करने थे 2,000 शेयर्स, एप्लीकेशन मनी 3,000 शेयर्स के लिए आया, तो 3,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव किया, फिर इक्विटी शेयर में सिर्फ 2,000 शेयर्स का जाएगा, 400 शेयर्स एक्सेस जो हम लोगों ने अलॉटमेंट मनी एक्स्ट्रा अपने पास रखा है उसको अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट किया,
और 600 शेयर्स का अमाउंट रिफंड किया, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया और उसकी एंट्री हो गई। इसके बाद सिंपल प्रोसीजर में आते हैं तो वापस से फिर अलॉटमेंट मनी से रिलेटेड हो गया। अब गाइस अलॉटमेंट मनी में भी यहाँ पर सिंपल ऐसा नहीं है, क्योंकि अलॉटमेंट मनी जो है वो इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम कितना रुपये है, तो प्रीमियम 20 रुपये है। अब अलॉटमेंट मनी हमें कितना मिल रहा है, 50 रुपये। 50 में से क्या करना है, 30 रुपये हम लोग अलॉटमेंट मनी में लेंगे, 20 रुपये प्रीमियम में लेंगे। सो अलॉटमेंट मनी को हम लोग पहले ही दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लें। सो अलॉटमेंट मनी 2000 शेयर्स पे सिर्फ 30 रुपये, कैसे आया पता चल गया ना, 30 रुपये इसका है अलॉटमेंट मनी का, 20 रुपये प्रीमियम का। सो 2000 शेयर्स पे 30 रुपये, यानी 3 2 60, अगेन 60,000, ठीक है, 3 2 6 तो 60,000 हो गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शेयर प्रीमियम, कि प्रीमियम हमें मिल रहा है 20 रुपये पर शेयर, तो वो हम लोग निकाल देंगे 2000 × 20। तो कितना आएगा 2000 × 20 करने पे, देखो 2000 × 20 40,000 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अलॉटमेंट मनी भी मिल गया और शेयर प्रीमियम मिल गया। तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू करना होता है, तो पहले अलॉटमेंट मनी हम लोग ड्यू कर लेते हैं। ड्यू करने की एंट्री वेरी सिंपल है, आपको पता है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने ड्यू कर लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट का अमाउंट कितना आता है, तो अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है 60,000 हम लोग लिख लेंगे। इसका नरेशन हमें लिखना है, एवरी जनरल एंट्री का नरेशन कंपलसरी होता है। सो नरेशन क्या हो जाएगा, बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर 2000 शेयर एट ₹30 ईच, ठीक है। ये अलॉटमेंट मनी का हमने ड्यू किया, अब हमें क्या करना है, अमाउंट रिसीव करना है। अमाउंट रिसीव करते टाइम हमें ध्यान क्या देना है, अलॉटमेंट मनी हम लोगों ने पहले से एडजस्ट किया था, जो एक्स्ट्रा पैसा आया था सो वो था 8,000, तो 60,000 जो आना है उसमें से ₹8,000 नहीं कम आएगा, ठीक है। सो 8,000 जब हम लोग कम करेंगे तो कितना बचता है, 52,000। सो अलॉटमेंट मनी 52,000 एंड ये 40,000, ये दोनों ही हमें मिलने वाला है, यानी कि 52,000 अलॉटमेंट मनी प्लस 40,000 प्रीमियम, यानी ₹92,000 हमें मिलेगा। इसकी एंट्री हम लोग कर लेते हैं अभी, कैसे एंट्री होगी इसको वैसे भी अलग अलग करना है, ये तो टोटलिंग मैंने बैंक के लिए किया है, एंट्री अलग ही करना है। सो फर्स्ट थिंग क्या होगा, पैसा रिसीव हो रहा है, अभी भी पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करके, यहाँ पे 52 अलॉटमेंट का, 40 इसका, यानी टोटल 92,000 बैंक में आ रहा है। अब कहाँ कहाँ से आ रहा है, तो एक आ रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट से 60,000 आना था, 8,000 पहले ही रिसीव हो गया एप्लीकेशन के साथ। सो अब कितना मिलेगा, 52,000। अंडरस्टैंड कैसे डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, अलॉटमेंट में 60,000 डेबिट था, क्रेडिट हमने 8,000 पहले लिया, 52,000 अभी लिया, इस तरह से एडजस्ट हो गया बराबर। और दूसरा अमाउंट हमें आया है शेयर प्रीमियम से, क्योंकि हमारे शेयर जो है वो प्रीमियम में गए हैं। अब प्रीमियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कब मिली प्रीमियम में नहीं बताया जाएगा, तो भी हमें अलॉटमेंट में लेना है, और इस समय तो हमें स्पेसिफिक बोला ही है कि अलॉटमेंट के साथ हमें प्रीमियम मिल गई है। सो प्रीमियम अमाउंट हमने डाल दिया 40,000, यहाँ पर हम डाल देंगे बिंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, इस तरह से हमने इसका नरेशन लिख दिया। और अलॉटमेंट मनी से रिलेटेड आपको समझ में आ गया कैसे कैसे क्या क्या हमने एडजस्ट किया, ठीक है। अब आता है कैलकुलेटिव पार्ट फॉर फर्स्ट कॉल, अब इसके बाद हमें करना है फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कॉल, फिर से हमें करना है फर्स्ट कॉल, कितने रुपए का कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट कॉल फॉर ₹20 के लिए फर्स्ट कॉल करेंगे, तो 2000 × 20 कितना हो रहा है, 2 × 4 ₹40,000 फर्स्ट कॉल करना है। सो कभी भी फर्स्ट कॉल करते हैं या फिर कोई भी कॉल कर रहे हैं, अलॉटमेंट मनी कर रहे हैं, हमें क्या करना है, पहले ड्यू करना है। तो ड्यू तो हम लोग पूरे पूरे अमाउंट का करते हैं, तो सर क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये हमने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया पूरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके ड्यू करते कभी भी 40,000 और 40,000, इस तरह से हमारी ये एंट्री हो गई। इसका नरेशन होगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मेड फॉर 2000 शेयर्स एट ₹20 ईच,
या फिर सिंपल नरेशन हो जाता है बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मेड, ठीक है। अब पैसा रिसीव होने वाला है गाइस, हमें पूरा सम कभी भी एक बार में पढ़ना है, उसको एक बार में अपने दिमाग में रखना है। अब एक बार में जब हम लोग पढ़े हैं, हमने पहले पढ़ा है, देखा है मिस्टर मंदार जिनको हमने 80 शेयर्स अलॉट किए थे, अलॉटमेंट मनी तक उन्होंने पैसा दिया, लेकिन उन्होंने फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया है और फाइनल कॉल पे भी पैसा नहीं दिया है, ठीक है। सो उनका फर्स्ट कॉल में हमें अमाउंट नहीं रिसीव होगा, मतलब हमें क्या है 2000 शेयर्स का अमाउंट नहीं रिसीव होगा, हमें 2000 में से 80 शेयर कम करने पे 1920 शेयर का सिर्फ अमाउंट रिसीव होगा। सो अमाउंट कितना आ रहा है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए बैंक में कितना पैसा आ रहा है दैट डज मैटर ओनली, राइट। सो 2000 में से जब 80 शेयर हमने कम किए तो कितने पर आते हैं 1920 शेयर आते हैं। 1920 शेयर को हम लोग 20 से इंटू करेंगे, ठीक है। सो 1920 शेयर को जब हम लोग 20 से इंटू करें तो हमें मिलेगा 38,400। आप मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, 20 है तो 20 को 20 इस तरह से ले लिया, 22 जा 4, 29 जा 18, 18 का 8 बचा है, 221 जा 2 एंड 3, 38,400 रुपीज सिर्फ हमें रिसीव होगा। दैट्स इट, इंट्री हमें ये करनी है कि हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ, इतना अमाउंट रिसीव हुआ। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू पैसा आ रहा है, यहां पर सिंपल एंट्री हम लोग कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, मतलब बचा हुआ अमाउंट अभी आया नहीं है, वो हमें बाद में जब फोरफिटेड करेंगे तब एडजस्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, हमें ध्यान देना, ये पार्ट बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है, ऊपर के पार्ट तक की सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी की है, लेकिन ये पार्ट बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है तो इस पर ज्यादा ध्यान दें। 38,400 यहां पर आपको नरेशन में स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा कि बींग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव फॉर 1920 शेयर्स ओनली एट रुपीज 20 ईच, आप आगे लिख सकते हैं, बट ये आपको स्पेसिफिक मेंशन करना है कि हमें सिर्फ 1920 शेयर के पैसे मिले हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ गया, ये यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अब हम करेंगे फाइनल कॉल, और यहां पर ध्यान हमें ये देना है कि कितना डिफरेंस है, देख लीजिए 38,400 और 40,000 के बीच का डिफरेंस है 1600। ये जस्ट मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपके लिए कि आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या चीज का अमाउंट है, और ये 1600 रुपए जो है इक्विटी शेयर फाइनल फर्स्ट कॉल का मुझे नहीं मिला, अब मैं फाइनल कॉल करने जा रहा हूँ, ठीक है। फाइनल कॉल हम लोग 30 रुपीज का कर रहे हैं, अगेन वही चीज है जो यहाँ पे है, फाइनल कॉल करेंगे तो पूरा पूरा डी होने वाला है, और जो अमाउंट रिसीव होगा तो 80 शेयर का नहीं रिसीव होगा। सो फाइनल कॉल कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग फाइनल कॉल कर रहे हैं, हम लोग 2000 शेयर्स के लिए 30 रुपए के हिसाब से 3 × 6 = 60,000 रुपए मुझे रिसीव हो गए, और 60,000 रुपए के लिए हमने फाइनल कॉल ड्यू किया है। बस इतनी इंफॉर्मेशन के साथ पहले हम लोग फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो गया है क्योंकि मैंने फाइनल कॉल कर दिया है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कभी भी आपको बताया, एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पे समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है तो भी मैं फाइनल कॉल तक जाऊंगा, अगर फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल भी होता और सेकंड के बाद फाइनल कॉल होता तो भी शेयर फॉरफिटेड हमेशा हम लोग फाइनल कॉल के बाद ही करते हैं, क्योंकि हम शेयर होल्डर को पूरा पूरा चांस देते हैं कि वो अभी भी पे कर सकता है, अभी भी वो चाहे तो पे कर सकता है। अगर वो फाइनली जब फाइनल कॉल के बाद तक पे नहीं करता तभी हम लोग फॉरफिटेड करते हैं। सो फॉरफिटेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर हमें फर्स्ट कॉल के पहले भी होती तो भी हम लोग क्या करते हैं, उसे पूरा फाइनल कॉल जाने के बाद ही फॉरफिटेड करते, तो हमने अभी फॉरफिटेड नहीं किया, हमने फाइनल कॉल किया, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए तो भी फाइनल कॉल किया है हमने, ठीक है। कितना अमाउंट ड्यू हो रहा है देख लीजिए फाइनल कॉल के लिए 60,000। तो हम लोग इसमें नरेशन लिखेंगे बींग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू फॉर 20,000 शेयर्स एट रुपीज 30 ईच, इस तरह से हम लोग नरेशन लिखेंगे, सिंपल नरेशन आप लिख सकते हो बींग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल ड्यू, ठीक है। अब मुझे पैसा रिसीव होगा फाइनल कॉल का, अब कितना पैसा रिसीव हो रहा है वो हम लोग देखते हैं फिर से, अमाउंट रिसीव्ड। अब 2000 शेयर्स पे पैसा मिलेगा नहीं, फिर से 80 शेयर क्या हो रहे हैं हमारे, 80 शेयर का पैसा मंदार ने ना फर्स्ट कॉल पे दिया था ना फाइनल कॉल पे, तो 1920 शेयर के ऊपर सिर्फ कैलकुलेट करेंगे और 1920 शेयर का ही मुझे सिर्फ पैसा मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और एल्स हम लोग डायरेक्ट टोटलिंग, हमारी अगर मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो टोटलिंग करके भी कर सकते हैं। सो इट विल बी 57,600 समथिंग। सो लेट सी, 3 × 6 = 29 = 27। सो 2 हमारे पास बैलेंस बचा, 3 × 1 = 3 एंड 2, इट्स 57,600 अमाउंट रिसीव हो रहा है। सो अमाउंट रिसीव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है।
सो अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, मुझे पैसा रिसीव हो रहा है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना पैसा रिसीव हुआ, तो 57,600, इस तरह से मुझे इतना पैसा रिसीव हो गया। अब यहां पर भी जो डिफरेंस है वो मैं निकाल लेता हूँ, कितना डिफरेंस आ रहा है, तो 2400 इंस 2400 का डिफरेंस यहां पर है। फर्स्ट कॉल में 1600 रुपये, फाइनल कॉल में हमें 2400 रुपये कम आए हैं। सो इट मीन्स ये हमारा बैलेंस है जो हम लोग एडजस्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया एप्लीकेशन का अमाउंट, एप्लीकेशन में डेबिट क्रेडिट एडजस्ट होना चाहिए, अलॉटमेंट का अलॉटमेंट में एडजस्ट होना चाहिए। सो एप्लीकेशन का 60,000 था क्रेडिट साइड में, तो डेबिट साइड में यहाँ 40,000, डेबिट साइड में यहाँ 20,000, तो 60,000 एडजस्ट हुआ। अलॉटमेंट में यहाँ पे 60,000 था डेबिट साइड में, क्रेडिट में 8,000 यहाँ, 52,000 यहाँ एडजस्ट हो गया। फर्स्ट कॉल हमने किया 40,000 का, हमारे इस क्रेडिट साइड में सिर्फ 38,400 आया है, 60,000 का किया 57,600 आया, मतलब इतना डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है, क्योंकि ये पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है मिस्टर मंदार के कारण। तो अब हम लोग बढ़ते हैं यहां पर फाइनल अकाउंटिंग एंट्रीज की तरफ, जो ये कह रहा था हमें कि क्या लिखा है, ऑल अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर मंदार टू हुम 80 शेयर्स वेयर अलॉटेड, मंदार फेल्स टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल वो दोनों हमने देख लिया। हिज शेयर वेयर फोरफिटेड, अब ये फाइनल इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल है। हिज शेयर वेयर फोरफिटेड एंड वेयर री इशूड टू मिस्टर केतन एज फुल्ली पेड एट ₹80 per share, तो ठीक है, शेयर फिटेड करने हैं फिर री इशू करने, हमें ये हमें बता दिया पर्सन कौन लेके जा रहा है, इट डजेंट मैटर टू अस। सो जब भी हम लोग शेयर इशू कर रहे थे हमने देखा इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होते जा रहा था, क्रेडिट साइड में आ रहा था, मतलब बढ़ते जा रहा था बढ़ते जा रहा था, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट साइड में आ रहा था। अब जब फोरफिटेड कर रहे हैं मतलब इक्विटी शेयर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। सो गाइज वी नीड प्लेस फॉर वर्किंग नोट, ओके विल डू देयर, ओके हम यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेंगे राइट, क्योंकि ये वर्किंग नोट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो हम इसी के आगे यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे ठीक है। सो क्या हो गया, अभी हमें क्या करना है, ये 1600 रुपये फर्स्ट कॉल के, 2400 रुपये फाइनल कॉल के जो हमें नहीं मिले उनको छोड़ के बचा हुआ पूरा अमाउंट हम लोग क्या करते हैं, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से हम लोग अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं ठीक है। यहाँ पे 9 नंबर तक एंट्री हुई है, मैं यहाँ से एंट्री यहाँ कर लेते हैं, हम लोग यहाँ से एंट्री आगे कंटिन्यू करते हैं। सो क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर फोरफिटेड करना है, फोरफिटेड करना है कितने, 80 शेयर। अब जब तक भी इशू किए तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में आ रहा था, अब जब फोरफिटेड होंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट सिर्फ एक ही बार डेबिट में आता है जब शेयर फोरफिटेड होते, एल्स क्या होता है हर बार शेयर सिर्फ इशू होते जाते हैं। सो इस तरह से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, तो आपको ध्यान देना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जब जब भी हमें सम में यूज हो रहा है फुल अमाउंट यूज होना चाहिए। अब 80 शेयर अगर फॉरफिटेड हो रहे हैं, 80 शेयर कितने के थे, 100 रुपये का एक शेयर है, 80 × 100 करने पे कितना आ रहा है, 80 × 100 मीन्स 8,000 रुपये एडजस्ट करने हैं हमें, 80 शेयर कम कर रहे तो 8,000 रुपये कम हो जाएंगे। अब उसमें कहाँ कहाँ एडजस्ट करने, तो आपको ध्यान क्या देना है, आपने अभी तक क्या किया, फर्स्ट कॉल किया डेबिट साइड में 40,000 थे, क्रेडिट में कम है, यानी क्रेडिट में अभी आपको क्या लेना है, फर्स्ट कॉल लेना है, क्रेडिट में आपको फाइनल कॉल लेना है। इस तरह से मैं जस्ट इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ डेबिट क्रेडिट एडजस्ट करने के हिसाब से। अब सम पढ़ते हो तो आपको इजीली समझ में आता है कि जिस जिस कॉल के पैसे हमें नहीं आए हैं वो यहाँ एडजस्ट करने हैं, तो किसके नहीं आए वो इजीली हमने वर्किंग नोट में दिखा है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों के पैसे नहीं आए, कितने कितने नहीं आए वो भी हमारे पास है। सो यहाँ पर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट में तो ऑलरेडी मैंने लिखा है ठीक है। सो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल में 8,000 ले लिया हमने, कितना अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का बचा है, वो बचा है 1600 रुपये, फिर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है, फाइनल कॉल में कितने बचे हैं, तो 2400 रुपये बचे हैं। इसके बाद जो बैलेंस बचा, मतलब मुझे कहाँ कहाँ पैसे रिसीव नहीं हुए, दो जगह पे। अब कोई कोई सम, मैं जैसे आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बता दूँ, कभी कभी कोई सम ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ अप्लीकेशन मनी के बाद अलॉटमेंट मनी भी हमें नहीं आता है, फर्स्ट कॉल नहीं आता है, सेकेंड कॉल नहीं आता है, फाइनल कॉल नहीं आता है, तो जितने भी पैसे रिसीव नहीं हुए सारे यहाँ पर आ जाएंगे, और उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो हम लोग ट्रांसफर करते हैं टू फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है कि जितने पैसे रिसीव नहीं हुए वो सारे पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो बचा हुआ बैलेंस है
वो कितना है देख लेंगे, 8,000 में से 1,600 2,400 माइनस करने पे 4,000 रुपये हमें बचेगा, दैट इज सेल्फ प्रॉफिटेड अकाउंट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बींग 80 इक्विटी सेल्स प्रॉफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये नरेशन आपको एज जैसे मैंने बोला वैसे लिखना है, वापस से मैं बोलता हूँ आपके लिए, बींग 80 इक्विटी सेल्स फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, दोनों कॉल का नॉन पेमेंट। अभी कभी कभी क्या ज्यादा कॉल है तो वो सारे कॉल नहीं पेमेंट होने के कारण हमने फॉरफिटेड किए। ठीक है, अब फॉरफिटेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद क्या था, बोला गया कि मिस्टर केतन को ये रीइशू कर देने मंदार के शेयर्स। ठीक है, अब रीइशू की एंट्री, वापस से रीइशू हो रहा है, जब जब भी शेयर इशू होंगे इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। लेकिन वर्किंग नोट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाती है कि मुझे पैसा कितना रिसीव होगा। सो मुझे पैसा कितना मिलेगा, सिर्फ 80 रुपये मिलेगा, क्योंकि मैंने जो शेयर वापस से इशू किए वो सिर्फ 80 शेयर इशू किए विथ 80 रुपये। केतन को मैं शेयर सस्ते में दे रहा हूँ, जब भी री इशू होगा शेयर सस्ते में जाएंगे। 80 × 80 हम लोग जब करेंगे 8 × 8 = 64, सो इट विल बी 6,400। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर जो है उनका प्राइसिंग कभी भी चेंज नहीं होता, जो मैंने आपको पहले भी बोला है। तो इक्विटी शेयर कितने रहेंगे, 80 रुपये के, 80 × 100 यानी 8,000 के ही रहेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पैसा तो मुझे रिसीव हो रहा है री इशू करने पे। ठीक है, पैसा रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा रिसीव हो रहा है, 6,400। लेकिन मुझे पैसा कितना आना चाहिए वो मैं देखता हूं अभी, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आना चाहिए। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आना चाहिए, 80 × 100 आना चाहिए। राइट, कैपिटल अमाउंट कभी भी कम नहीं होता है, एडजस्टमेंट कर लेंगे हम शेयर प्रीमियम के साथ, अगर ज्यादा आया कम आया तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स के साथ करते हैं, और री इशू के टाइम पे हम लोग किसके साथ एडजस्ट करते हैं, शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट के साथ। राइट, अब बैंक अकाउंट में मुझे आया 80 × 80 के हिसाब से आया तो 6,400 रुपये हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना, 80 × 100 के हिसाब से मुझे आना चाहिए था, 8,000 आना चाहिए था। अब जो दोनों के बीच का बैलेंस डिफरेंस है वो मैं एडजस्ट करूंगा यहां पर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के साथ। सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितना, 6,400 8,000 में से कम करने पे 1,600 रुपए। इस तरह से मेरी एंट्री हो गई कि बिंग इक्विटी शेयर री इशू टू केतन एट ₹80 पर शेयर। इस तरह से मेरा नरेशन हो गया, यहां पर हमारा वर्किंग नोट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या करना होता है, शेयर फॉरफिटेड का अकाउंट भी एडजस्ट करना है। मैंने आपको बताया सिर्फ बैंक अकाउंट और इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर कोई प्रीमियम या डिस्काउंट में शेयर गया तो वो बैलेंस को छोड़ के बाकी सारे बैलेंसेस जो है वो जनरल एंट्रीज में एडजस्ट होने चाहिए। फर्स्ट कॉल था, फाइनल कॉल था, जिसके 1,600 2,400 रुपये बचे थे वो हमने एडजस्ट कर लिए। अब शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ था 4,000 रुपये के साथ, और उसका डेबिट बैलेंस कितना, सिर्फ 1,600 रुपये, मतलब अभी भी उसका डेबिट बैलेंस जो है 2,400 रुपये बचा है, तो वो हमें एडजस्ट करना है किसके साथ, कैपिटल रिजर्व के साथ। ठीक है, सो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, कभी भी आपको री इशू बोला है तो आपको ये एंट्री कंपलसरी करनी है जो मैं अभी कर रहा हूँ, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से इसकी एंट्री करेंगे, कितना 2,400 ये मैंने एंट्री कर ली, बिंग अमाउंट बैलेंस इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल जो मेरा फायदा है, क्योंकि मुझे एक्सेस अमाउंट जो है अलॉटमेंट और अप्लीकेशन में मुझे मिस्टर मंदार से पैसे मिले थे, तो वो पैसे जो मिले हुए थे उसमें से मैंने क्या हुआ, इस बार शेयर सस्ते में इशू करके भी वो अमाउंट रिकवर किया, उसके बाद भी मुझे इतना बचा है वो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करता हूँ। तो कभी भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस बचेगा ही, फॉरफिटेड एंड री इशू के बाद जो शेयर फॉरफिटेड में बैलेंस बचेगा उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सो इस तरह से वर्किंग नोट के साथ ये बहुत बड़ा सम जो मैंने पूरी 12 जर्नल एंट्रीज के साथ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सो इस तरह से आपको ऐसे सम आएंगे बोर्ड में जहां पर आपको सारी एंट्रीज पता होनी चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे किया गया। वर्डिंग्स को ध्यान से ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे क्या अमाउंट एडजस्ट करके हम लोग एंट्रीज कर रहे हैं। ठीक है,